हेलो एवरीवन, मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का बहुत ही सिंपल है। लाइक आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी वॉज बोरिंग, और एक्सपायरी के बाद ना मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि उन लोग का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है, बहुत सारे लोग ने कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। अगर आप भी उनमें से एक है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको शायद हेल्प कर सके। एक्सपायरी के दिन आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीमियम बहुत कम रहता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि एक्सपायरी है मतलब पैसे डबल हो जाएंगे, तो एवरी एक्सपायरी इज़ नॉट अ सेम। ठीक है, कोई कोई एक्सपायरी में पैसे बनते हैं। लाइक आपको पता है कि प्रीवियस जो एक्सपायरी हम लोग ने बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाए, लाइक 3-4 गुना हम गया था हम लोग के ऑप्शन। तो एवरी टाइम ऐसा होता नहीं है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा और पोजीशन साइजिंग पे। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि उनके पास जितना कैपिटल है पूरा डाल देते हैं, उन लोग रिस्क कैलकुलेट ही नहीं करते कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरा लॉस कितना जाएगा। ठीक, और अगर आप नॉर्मल डेज पे 50 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो फॉर एग्जांपल, तो आज भी एक्सपायरी में भी 50 क्वांटिटी में ही ट्रेड करो, ज़्यादा क्वांटिटी मत करो, 100 या 200 या 300। ठीक है, क्वांटिटी आपका बहुत ही कम रहना चाहिए, लाइक नॉर्मल डेज पे जितना रखते हो उतना ही, और जब भी अपने फेवर में रहेगा 50 पे लिया है तो ट्राई करो कि मैक्सिमम 100 या 120 150 तक लेके जाओ। तो यही रहता है आज, तो लाइक साइड में मार्केट था, कुछ अपने को चांस मिला ही नहीं पैसे बनाने का, और मेरा भी ऑलमोस्ट 13-14 थाउजेंड का लॉस था, सॉरी 13-14 थाउजेंड का प्रॉफिट था, और उसमें मेरा भी प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। और एक बार मॉर्निंग सेशन आप सबको पता है कि मॉर्निंग सेशन वॉज गुड। ठीक है, तो ट्राई करो कि जो मॉर्निंग में आपने प्रॉफिट किया ना उसमें से ही ट्रेड लो, लाइक कैपिटल आपका उस दिन तो लूज होना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो ट्राई करो कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आप घर पे लेके जाओ। लाइक जो हम लोग ने ट्रेड लिया था उसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न था, लाइक 2 घंटे आप देख सकते हो कि पूरा मार्केट रेंज में था। ठीक है, 1 बजे के बाद अपने को ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ 100 पॉइंट्स का मोमेंट दिया, उसके बाद पूरा फिर से नीचे आने लगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, और तभी मैंने बोला था कि मोमेंटम इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो स्टॉप लॉस भी हम लोग ने 50 से 35 पे ले लिया। ठीक है, 15 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस था। अभी 15 पॉइंट्स भी अगर आप बियर नहीं कर सकते तो फिर आपका ऑफकोर्स आपने पोजिशन साइजिंग बहुत ही ज़्यादा रखा था। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बस यही था, लाइक सिंपल लॉजिक था कि रेंज में मार्केट था, ब्रेकआउट दिया, लेकिन मोमेंटम इतना कुछ बना नहीं, और अपना हीरो ज़ीरो के बदले हम लोग ज़ीरो हो गए। तो बस यही है कि अगर एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ग्रीडी मत बनो। यहाँ पे मेरा भी देख सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 14,000 का प्रॉफिट था, और मैंने भी ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया प्रॉफिट। अराउंड यहाँ पे मेरा 6,000 का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे मैंने 2,300 में कुछ तो डे एंड किया है, और यहाँ पे ज़ीरो था, मैं ऑलमोस्ट मेरा 8,000 का प्रॉफिट था, तो वहाँ पे मैंने 6,000 मतलब तो अराउंड 8,500 प्रॉफिट में मैंने डे एंड कर दिया, और ऑलमोस्ट 14,000 मेरा प्रॉफिट था। तो 14,000 में से ही मैंने रिस्क लेके आगे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8,000 का प्रॉफिट स्टिल है, तो ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहिए आपको, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए मार्केट में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, कुछ भी सीखने नया मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।